चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि जबलपुर से मिल रही है। कृति कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है, दूसरी मंजिल में आग लगी है और आग बेकाबू है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। शशकली ब्रिज के दवा मार्केट की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जबलपुर से। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अनादि टीवी के माध्यम से। इन तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीषण आग लग गई है और आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौजूद है। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। शास्त्री ब्रिज स्थित दवा मार्केट के कृति कॉम्प्लेक्स में ये आग लगी है। चलिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता राजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके जबलपुर से। राजेंद्र, ये आखिर आग कैसे लगी और कितना समय लगेगा आग बुझाने में, क्या कुछ कहना है? जी अमृता, मैं आपको बता दूं कि ये शास्त्री ब्रिज स्थित जो मुख्य बाजार है, दवा मार्केट है, उसमें जो कृति कॉम्प्लेक्स है उसके सेकंड फ्लोर में जो है अचानक भीषण आग लग गई है। क्योंकि मैं ये बता दूं कि फायर कर्मी जो है उन्हें खासी दिक्कत जो हो रही है आग बुझाने में, क्योंकि सेकंड फ्लोर है और चारों तरफ से अभी जो दवा मार्केट है ऊपर बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते जो दमकल वाहन के कर्मी हैं उन्हें अंदर जो है वो नहीं जा पा रहे। क्योंकि ये मुख्य सड़क है तो यहाँ पे भीड़ भाड़ भी बहुत हो गई है और मैं आपको बता दूं कि लगभग अभी 5 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर आ चुकी हैं और दमकल कर्मी जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने का। मैं आपको बता दूं कि दूर दूर से जो है वो आग की जो लपटें हैं वो देखी जा सकती हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया है। बहरहाल जो है फायर कर्मी जो है चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया है। 5 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है और अब भी प्रयास जारी है। अब तक काबू नहीं लाया गया है इस पर। दूसरे मंजिल में आग लगी और बेकाबू आग है। बता दें आपको, आग की जो लपटें हैं दूर से दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया, अफरा तफरी का माहौल बन गया है।